हेलो फ्रेंड, जुबिन मास्पर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भाई का नाम भी जान लीजिए, मैं हूँ सिद्दीक आपका भाई। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपके पास ले आ सकूं। नोराफतेह ड्रेस से हुई परेशान, फिर भी सड़क पर जो हुआ, देखे पूरा वीडियो। नोराफतेह का लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नोरा को ड्रेस ऐसी है जिसके कारण वो सड़क पर नॉर्मल अंदाज में चल नहीं पा रही है। डांसिंग सेंसेशन नोराफतेह अपने डांस वीडियोज के साथ साथ फैशन सेंस को लेकर भी शाही रहती है। अब एक बार फिर से नोरा फतेह का लेटेस्ट लुक इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है। नोरा इन दिनों रियलिटी शो डांस दीवाने जूनियर होस्ट कर रही है और ऐसे में वैनिटी फैन से शो के सेट पर जाते नोरा को पेपराजी स्टॉप करते हैं तो उनकी तस्वीर और वीडियो वायरल हो जाते हैं। बॉडीकॉन लुक में लगी परी इस बार भी कुछ ऐसा भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में नोरा के लेटेस्ट लुक के वीडियो सामने आए हैं। इस वीडियो में नोरा नीले रंग की बड़ी कंड्रेस में किसी परी की तरह दिखाई दे रही है। हालांकि नोरा की ये ड्रेस इतनी टाइट और लंबी थी कि उन्हें चलने में भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। दो लोगों ने उठाए ड्रेस तब चल पाई नोरा। सामने आए वीडियो में आप देख सकते हैं कि नोरा की ड्रेस को दो लोगों ने उठाया तब जाकर वो चल पाई। इसके साथ ही नोरा इस दौरान काफ़ी प्यारे एक्सप्रेशन भी देती दिखाई दे रही है। बता दें कि नोरा इस शो के दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर के साथ होस्ट कर है। नोरा फतेह का लुक, नोरा के लुक की बात करें तो उनके नीले गाउन में ऊपर से उनकी स्ट्रिप्स लगी हुई थी जो कि उनके लुक को कहीं ज्यादा खास बना रही है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने अपने इस लुक को पूरा करने के लिए बालों को कलर्स देकर खोला हुआ था। इसके साथ ही ऐसे सीरीज के नाम पर उन्होंने सिर्फ राउंड ईयरपीस पहनी हुई थी। नोरा फतेह के फिल्म वर्क फ्रंट की बात करें तो नोरा की हाल ही में रिलीज हुई जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 में दिखा गया है। इस फिल्म में वो सिर्फ एक गाने में ही नजर आ रही है। इससे पहले उन्हें अजय देवगन की फूज द प्राइड ऑफ इंडिया में देखा गया था। अंत मेरे इस वीडियो को देखकर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपके पास ले आ सकूँ। थैंक्स।